तिलक जंजू राखा प्रभदाका किन्नो बडो कलू महसाका। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जशनदीप कौर सपुत्री सरदार सुरिंदर सिंह क्लास प्लस टू की विद्यार्थन आप जी के सामने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म और उन्हों की गुरियाई के इतिहास उपर चानना पा जा रही हाँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सब तो छोटे सपुत्र सन। आप दा प्रकाश 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को माता नानकी जी की कुखों श्री अमृतसर विखे गुरु के महलों में होया। हम यह स्थान गुरु बाजार में गुरद्वारा गुरु के महल करके जाना जाता है। आपके पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी 1630 ईस्वी तक अमृतसर रहे ते फिर वो अपने परिवार समेत करतारपुर चले गए सन। आप जी बचपन तो ही संत स्वरूप बहुत गंभीर ते उच्ची व्यक्ति के मालक सन। आप जी की विद्या की सिखलाई छेवें पातशाह जी की देखरेख हेठ हुई। श्री गुरु तेग बहादुर जी का विआह करतारपुर निवासी श्री लाल चंद जी की सपुत्री बीबी गुजरी जी नाल 1632 ईस्वी में होया। इन्हों की कुखों सन 1666 ईस्वी में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म होया। जब 1634 ईस्वी में करतारपुर विखे छेवें पातशाह जी की चौथी जंग हुई तो इस जंग में गुरु तेग बहादुर जी ने तेग के तकड़े हाथ विखाए और अपने आप तेग का धनी साबित किया। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी 3 मार्च 1644 ईस्वी में कीरतपुर साहिब विखे ज्योति जोत समा गए। उस तो बाद गुरु तेग बहादुर जी अपनी माता नानकी जी के सुपत्नी श्री गुजरी जी समेत बकाले आके रहन लग पे। बकाला नगर माता नानकी जी के पेके सन ते गुरु तेग बहादुर जी का नानका पिंड सी। इत्थे आप सधारण जिहे मकान विच रहिंदे ते वध तों वध समा नाम सिमरन विच लीन रहिंदे सन। इत्थे भजन बंदगी विच आपणे 20 साल बीत गए। श्री गुरु हरकिशन साहिब जी 30 मार्च 1664 ईस्वी में दिल्ली विखे ज्योति जोत समा गए। ज्योति जोत समाउण तों पहला संतां नूं इह वचन कर गए कि उन्हां दे पिछों गुरियाई की जिम्मेवारी उन्हां दे बाबा जो बकाला विखे निवास करदे हन उह निभाउणगे। 8वें पातशाह जी दे वचन सन बाबा बकाले है। रिश्ते विच श्री गुरु तेग बहादुर जी 8वें पातशाह जी दे दादा जी भी लगते सन। पंजाबी विच बाबा शब्द दादे लई भी अक्सर वरत्या जाता है। बाबा बकाले है वाली गल जां दूर दूर फैल गई तो मौके का लाभ उठाने लई बकाले विच 22 छोटी गद्दियां ला के बैठ के इन्हां सारे नूं भरम सी कि साडे विचों ही किसी नूं गुरु मान लिया जाएगा। इन्हां विच बाबा धीर माता सब तो विशेष सन क्योंकि इन्हां पास भाई गुरदास जी की लिखी हुई आदि वीर सी। सिख संगत दा बकाले धाइयां पर 22 दावेदार वेख के निराशता हुई। समय समय अकाल की कला वरतदी है। इस गल नूं 1 साल बीत गया कि 1665 विच मक्खन शाह लबाना नाँ दा एक श्रद्धालु 500 मोहरां की कार भेटा लै के बकाला विखे पुजा। वह इन्ने गुरु बने वेख के परेशान हो गया। उसने अरदास की कि सच्चे पातशाह जी तुसी आप ही मैनू दुविधा विचों कढो। भाई मक्खन शाह हर एक अगे 2-2 मोहरां रख के मत्था टेकी गया। 22 मंजियां वाले अजकल दे देहधारी पाखंडियां वागू खुश हो के असीसा दे गए। उसने तसली किधरों भी ना हुई। उसने किसी श्रद्धालु तो पूछया होर भी कोई सोटी इत्थे है। उस भले पुछ ने भजन बंदगी वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी की दस पाई। भाई मक्खन शाह ने जब 2 मोहरां रख के मत्था टेकिया तो सतगुरु मुस्करा के कह लगे ये 2 मोहरां क्यों, गुरु की अमानत दिती ही चंगी हुंदी है। भाई मक्खन शाह जी ने 500 मोहरां गुरु चरणा ते धर के मत्था टेकिया। फिर उसने कोठे चढ़ के पल्ला फेरिया ते उच्ची उच्ची पुकारन लग्या गुरु लादो रे गुरु लादो रे गुरु लादो रे। इस तरह भाई 22 मंजियां वाले पखंडियां का पाच भी उगर गया ते सच्चे गुरु प्रगट होए। सिख संगतां नूं बहुत खुशी हुई ते हुमा के संगतां बकाला विखे पहुंचिया। इस तरह 20 मार्च 1665 ईस्वी नूं बाबा बुढ़ा जी दे पोतरे बाबा गुरदित्ता जी ने सतगुरां नूं गुरियाई दा तिलक लगाया। गुरु जी ने गुरता गद्दी की जिम्मेवारी संभाली। उस समय आप जी की उम्र 44 साल सी। मेरे वल्लों आप साहब जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पर्व दी लख लख बधाइयां होवन जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।